बहन का तलाक हो चुका था, वो अपने घर पर आ चुकी थी, लेकिन वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने ही भाई के दो दोस्तों को अपने घर में बुलाती है और एक साथ उन दोनों लड़कों के साथ में संबंध बनाने लगती है। वो दोनों के साथ संबंध बना रही थी, लेकिन उसी बीच उसका भाई आ जाता है और फिर जो तांडव होता है, जो प्लानिंग रची जाती है, जिसमें एक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आपका कलेजा बैठ जाएगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना। तो बात कर रहे हैं पंजाब के जस्याड़ा गांव की। वहां पुलिस को एक युवक की लाश मिलती है, हत्या गले को काट कर की गई थी। वहीं पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस लाश का फोटो व्हाट्सएप पर वायरल कर देती है कि जिससे लाश की पहचान हो सके। एक दो घंटे के अंदर ही एक माता पिता आते हैं, लाश की पहचान करते हैं अपने बेटे के रूप में और वो बताते हैं कि इसका नाम अमनदीप है, लेकिन इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और बड़ा सवाल है कि इसकी हत्या किसने की। पुलिस छानबीन में लग जाती है और अमनदीप के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में पूरा बायोडाटा निकालती है। तो पता चलता है कि अमनदीप शादीशुदा है, उसकी उम्र 34 साल है, उसके दो बच्चे हैं और वह अपने माता पिता के साथ ही रहा करता था, लेकिन कुछ ही महीनों पहले उसकी छोटी बहन जिसका तलाक हो जाता है वो भी उसी के घर आ जाती है और वो उसी के घर पर रह रही थी। पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे, कोई क्लू नहीं लगा था और पुलिस अमनदीप की कॉल डिटेल्स को चेक करती है कि आखिरी बार किससे बात हुई थी। तो उसमें उसके एक दोस्त का नंबर आता है जिसका नाम अंकुश था, जिसकी उम्र 24 साल थी। पुलिस उसको उठा लेती है और उसके फ़ोन की कॉल डिटेल्स को भी चेक करती है। उसमें नंबर आता है अमनदीप की बहन का, तलाकशुदा बहन का, जिसका नाम सुमनदीप था और पता चलता है कि दोनों की प्रेम कहानी चल रही थी। वहीं सुमनदीप की कॉल डिटेल्स को चेक किया जाता है तो एक लड़के का और नंबर निकलता है जिसका नाम गगन था। गगन और अंकुश दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और जब तीनों को उठाकर पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, उनकी कॉल डिटेल्स लोकेशन को चेक करती है, तो पता चलता है जिस दिन हत्या हुई उस दिन चारों एक साथ थे और पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। वहीं सुमनदीप से सबसे पहले पूछताछ की जाती है, उससे पूछा जाता है कि हत्या कैसे और किस प्लानिंग से हुई, जल्दी से तुम अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल कर लो। तो वह अपना गुनाह कबूल करते हुए बताती है कि तलाक के बाद जब वो अपने घर पर आ गई थी तो उसकी नज़र उसके ही भाई के दोस्त के ऊपर पड़ी थी जिसका नाम अंकुश था और उसके साथ उसकी प्रेम कहानी, उसकी बातचीत शुरू हो गई थी। लेकिन कुछ ही दिन के बाद जब उससे उसका मन भर गया तो उसकी नज़र उसकी एक और दोस्त पर पड़ी जिसका नाम गगन था। वो दोनों से बातचीत करती थी, दोनों दोस्त मिलकर उससे बातचीत करते, उससे मिलने आते, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। वहीं संडे को पूरा घर खाली था, सारे लोग बाहर गए हुए थे और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मैं अपने दोनों प्रेमियों को अपने घर पर बुला लेती हूँ, मैं उनके साथ संबंध बना रही थी। लेकिन इसी बीच घर की घंटी बजती है, जब मैं गेट खोलती हूँ तो देखती हूँ मेरा भाई है। भाई अंदर आता है और उसको शक हो जाता है, वो छानबीन करता है तो उसके दोनों दोस्तों को वो पकड़ लेता है, उनको मारता है, पीटता है और उनसे कबूल करवा लेता है कि पूरा मामला क्या था। वो सारी बात अमनदीप को बता देते हैं, उसके बाद वो उन दोनों को भगा देता है और मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। मुझसे बोल रहा था कि अगर मैं बातचीत करना बंद नहीं करूँगी तो वो ये बात सबको बता देगा। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसके बाद मैंने अपने भाई की हत्या की प्लानिंग की। मैंने अपने भाई से बोला कि ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, हम लोग मामला फिनिश करते हैं बैठ कर, तुम मेरे साथ चलो, मैं उन दोनों से माफ़ी मंगवाऊँगी और आज के बाद मैं उनसे बात नहीं करूँगी। मैं अपने भाई को लेकर जंगलों में पहुँची उसके साथ बाइक पर और वहीं पर मेरे दोनों प्रेमी थे, बातचीत हुई, उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई और आखिर में मेरे भाई का दोस्त अंकुश मेरे भाई को एक इंजेक्शन देता है, वही इंजेक्शन जो वो बहुत पहले जिससे नशा किया करता था, उसने नशा करना बंद कर लिया था। वो मेरे भाई से बोलता है कि इस इंजेक्शन को मेरी तरफ गिफ्ट समझ कर ले लो। मेरा भाई लेता है और उसको अपने हाथ में लगा लेता है, उसको नशा हो जाता है और उसके बाद उसका दोस्त एक और इंजेक्शन देता है और उससे फिर दोबारा से उसको ओवरडोज देता है। इसी तरीके से हमने प्लानिंग की थी कि ओवरडोज देकर उसकी हत्या कर देंगे, लेकिन नशे से उसकी हत्या नहीं होती और आखिर में हम लोग एक चाकू निकालते हैं और उसी चाकू से उसके गले को काट कर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। फिर बड़े ही सुकून से वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। हमें यकीन था कि हम पकड़े नहीं जाएंगे
और मैंने अपने भाई की हत्या सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने के लिए की, क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। वहीं पुलिस तीनों को उठाकर जेल भेज देती है, अब सारी जिंदगी तीनों जेल में रहेंगे। लेकिन आप ऐसी बहन पर क्या बोलना चाहेंगे, कि उसने बिल्कुल ठीक किया या गलत किया, या फिर उसकी सच में इज्जत चली जाती? और अब जब वो जेल में है और ये कहानी आप लोग सुन रहे हैं, तो क्या अब उसकी इज्जत बच गई या उसने बहुत अच्छा काम कर लिया? इसीलिए कुछ भी करने से पहले आप सोच और बहुत ज़्यादा समझ लें, आपकी एक गलती आपको सारी ज़िंदगी जेल पहुंचा सकती है। इसीलिए बहुत सोच समझकर कोई भी फैसला लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।